So now in this fourth lecture, we will discuss applications of adsorption. Clear? Applications of adsorption will be discussed in this fourth lecture of surface chemistry. First application. In the last lecture, we have studied Fremdlich adsorption isotherm. So today, so now we'll discuss applications of adsorption. First application. First application of adsorption is adsorption indicator. Adsorption indicator. Clear? एडजॉप्शन इंडिकेटर. इसमें क्या है, कुछ प्रेसिपिटेट्स ऐसे होते हैं जो कलर डाइज के कलर को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं. जैसे AgCl है, AgCl वाइट प्रेसिपिटेट होता है, सबको पता है. ये अपने सरफेस पे डाइज के कलर को एडजॉर्ब कर लेगा, कलर आने की वजह से हमें इंडिकेट हो जाएगा कि कंप्लीट हो चुका है एडजॉर्प्शन प्रोसेस. तो ये एडजॉर्प्शन इंडिकेटर का रोल है. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस इज इन क्योरिंग डिसीजेस. इसमें क्या है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हार्मफुल जर्म्स को एड्जॉर्ब कर लेती हैं और डिसीज को क्योर कर देती हैं. ये सिंपल एप्लीकेशंस हैं, इसको याद रखना है, पूछी जाती है कई बार ये. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन क्रोमेटोग्राफी. हमें डिटेल में स्टडी करना है एक्सट्रैक्शन चैप्टर के अंदर, तो वो डिटेल हम तब डिस्कस करेंगे. इसका बस मैं बेसिक सा प्रिंसिपल बता देता हूँ कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन. कंपोनेंट्स, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उनको अलग अलग करना है, विच कैन बी डन ईजिली विद द हेल्प ऑफ एडजॉर्प्शन. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी. तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी एडजॉर्प्शन का रूल आता है. फोर्थ एप्लीकेशन इज इन डाइंग क्लोथ्स. क्लोथ को डाई करना, नए नए कपड़े हैं या फिर कोई पुराना कपड़ा है जो हमें अच्छा लगता है उसको डाई करना. सपोज वी वांट टू डाई दैट क्लोथ, कलर देना चाहते हैं उसको, नया बनाना चाहते हैं. तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि उस क्लोथ को हम डायरेक्टली अगर कलर में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि कलर उस पर वो वॉश आउट हो जाएगा, धोने के बाद कलर वॉश आउट हो जाएगा. तो हम एक ऐसा, ज़्यादातर जो डाइंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक ऐसा सब्सटेंस लेती हैं, और सब्सटेंस होता है वो क्या कहते हैं उसको, एलम्स और फिटकरी कहते हैं ना, फिटकरी यूज़ करते हैं कॉमनली हम एलम्स. जैसे एग्जांपल K2SO4.Al2SO4 whole thrice.24H2, ये कंप्लीट फॉर्मूला है पोटेश एलम का. तो ये फिटकरी कहते हैं इसको, और ये फिटकरी जो है कलर्स को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेती है, और ये फिटकरी जो एलम्स जो है ये जाकर क्लोथ पे अटैच हो जाएगा जिससे कलर मिल जाएगा क्लोथ को. तो ये डाइंग क्लोथ्स का पर्पज़ है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए. डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें मॉइस्चर ना जाए, इसलिए हम सिलिका जेल या फिर एलुमिना को एज एन एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं, और वो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करेगा और इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर लेगा. तो ये आ जाएगा इसमें. सिमिलरली एज डी ह्यूमिडाइजर, इसमें भी सिलिका जेल वगैरह या एलुमिना यूज़ कर सकते हैं जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा, आसपास के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोलर हो गया. नेक्स्ट अब इसमें आ सकता है बहुत सारी एप्लीकेशन इसकी, जैसे हमें अगर करना है गैस मास्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस मास्क. पहले तो हम यूज़ करते थे क्या कहते हैं, जैसे कोल माइनर्स होते हैं, माइनर को काम करना होता है कोल माइंस में, जब वो जाएगा तो वो गैस मास्क लगा के जाता है. रीज़न बीइंग कि क्या कहते हैं, जब वो अंदर जाएगा तो हार्मफुल गैसेस होंगी अंदर, अमोनिया टाइप की हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो सारी गैसेस एड्जॉर्बेंट जो है गैस मास्क के अंदर वो उस गैस को एड्जॉर्ब कर लेगा, और इट अलाउज ओनली फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन. सो दिस इज द पर्पज ऑफ गैस मास्क. दे हैव suitable adsorbent in them which adsorbs all the harmful gases and allows only fresh air to breathe in. तो ये purpose होता है हमारा gas mask का. तो ये इस तरह के applications हैं, और ये important है. आजकल mask तो वैसे भी use कर रहे हैं, COVID-19 के चक्कर में हमें mask use करना पड़ रहा है, वो भी harmful virus bacteria को adsorb करेगा और fresh air को allow करेगा breathe in करने के लिए. तो ये यहाँ पर भी adsorption का role है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी 7th, 8th एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगी जैसे इनर्ट गैस सेपरेशन में.
इनर्ट गैस सेपरेशन, इनर्ट गैसेस को सेपरेट करना है। जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सब गैसेस जितनी भी हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट पे एड्जॉर्ब होंगी। ये हम पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, मान लो कोकोनट चारकोल हम यूज़ करते हैं, तो कोकोनट चारकोल पे जो ज़ेनॉन गैस है सबसे ज़्यादा पावरफुली एड्जॉर्ब होगी, ये थोड़ा कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये लीस्ट एड्जॉर्ब होगी। तो लाइक दिस वी कैन सेपरेट इनर्ट गैसेज बाय द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें वेंडल फोर्सेज क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वेंडल फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएगी, और इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द गैसेज से भी। तो दिस इज इनर्ट गैस सेपरेशन वाया एड्सॉर्प्शन। देन रेस्ट इन इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग जब होती है, जैसे क्रूड ऑयल मिला, क्रूड ऑयल अर्थ से मिलता है, तो उसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे रॉ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इसमें हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, इसके अलावा हमें इसमें एलपीजी मिलता है, या फिर एसफॉल्ट मिलता है, फिर हमें इसके अंदर पैराफिन वैक्स मिलता है, कोल तार मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब पेट्रोल की रिफाइनिंग करनी है, अगर पेट्रोल की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे ग्रेड ए जो है वो हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स में या मिसाइल्स में या फिर रॉकेट्स में, तो वहाँ यूज़ करते हैं, और हम जो यूज़ करते हैं अपने गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह, वो कौन सा होता है, थर्ड क्वालिटी का पेट्रोल होता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। और रिफाइंड ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट जो है वहाँ प्रोडक्ट्स को, जो जो उसमें डस्ट वगैरह है उन सबको बाहर निकाल करके पेट्रोल को रिफाइन करता है। हम यूज़ करते हैं थर्ड क्वालिटी का पेट्रोल, उसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं, जैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम या सिंपल नॉर्मल पेट्रोल ये आता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ये एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट अब है, तो ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं एडजॉप्शन की, जो हमें याद रखनी है, और भी हम एडजॉप्शन की एप्लीकेशंस पढ़ सकते हैं, जैसे इन क्रिएटिंग वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करना है तो उसके लिए एक एड्जॉर्बेंट रख दिया, जैसे एनिमल चारकोल रखा, तो वो आसपास की जितनी भी गैसेज हैं उसको एड्जॉर्ब कर लेगा, और उस रूम के अंदर या उस वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देगा, तो वैक्यूम क्रिएशन में भी इसका यूज़ होगा। 11th, इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर और इन डी कलरिंग सब्सटेंसेज और सोल्यूशंस, इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर और इन डी कलरिंग सोल्यूशंस। जैसे अगर हमें इसमें एग्जांपल अगर हम लें, तो एग्जांपल अगर लेते हैं इसका, जैसे अगर जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो प्योर वाइट होते हैं, लेकिन शुगर मिलता किससे है, शुगर केन से, शुगर केन से मिलेगा ये, और शुगर केन का अगर हम जूस चेक करें तो वो होता है डार्क येलो कलर का, तो उसमें से कलर को निकालने के लिए भी हम उसमें बोन चारकोल वगैरह डालते हैं। बोन चारकोल क्या करेगा, उसमें जो डार्क येलो कलर है उसको एड्जॉर्ब कर लेगा, डार्क येलो कलर उसमें से एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो अब उसको हम सुखा लेंगे तो हमें वाइट क्रिस्टल्स मिल जाएंगे शुगर के। तो इन डी कलरिंग ऑफ सोल्यूशंस यानी शुगर की क्लैरिफिकेशन में भी हम इसको यूज करते हैं एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन को। क्लियर। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। नाउ विल डिस्कस लैंगमुइर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर। फिनोलेज की लिमिटेशंस थी, फिनोलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशंस थी, तो लैंगमुइर्स की जो है ये थोड़ा एडवांस फॉर्म है, इसकी लिमिटेशन नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे अभी। लैंगमुइर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म ये फिनोलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए दिया गया था, लैंगमुइर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे जरूर, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ फ्रिनुलेज है, लैंगमुइर्स नहीं है। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं वो नोट करेंगे। पहली अजम्पशन इसकी, फर्स्ट अजम्पशन है इसकी कि जो साइट्स होती हैं, जैसे कोई भी साइट है सरफेस, जैसे ये ले लिया मैंने, इसमें साइट्स जो है वो फिक्स होंगी, 1, 2, 3 और ये 4 फिक्स साइट्स, फिक्स साइट्स होंगी इसके अंदर। सेकंड है कि इसमें यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगी, यानी मॉलिक्यूल की लेयर एक ही मॉलिक्यूल की लेयर बनेगी, और 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल लेयर होगी, इसके ऊपर और मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर कि जो इसके अंदर दो प्रोसेसेस होंगे, एक होगा एडजॉर्प्शन, दिस लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इट इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज
डीस ऑप्शन, एडसॉर्प्शन डीस ऑप्शन। एडसॉर्प्शन को कंडेंसेशन भी बोलते हैं और डीस ऑप्शन को इवेपरेशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज का। एडसॉर्प्शन को कंडेंसेशन बोलते हैं और डीस ऑप्शन को इवेपरेशन भी बोलते हैं। और रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होता है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ये डायरेक्टली पोजिशन होगा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली पोजिशन टू नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स, अनऑक्यूपाइड साइट्स। तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली पोजिशन टू नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा अनऑक्यूपाइड साइट्स होंगी उतना ज्यादा, ये मैं रब कर रहा हूं, उतना ज्यादा क्या होगा एडसॉर्प्शन, उतना ज्यादा रेट होगा एडसॉर्प्शन का। जैसे एग्जांपल अगर हम बोले इसमें, जैसे ये है सरफेस, तो इसमें ये साइड कवर है, या एक और रहते हैं, ये साइड कवर है, ये साइड कवर है, तो ये अनऑक्यूपाइड साइट्स है। तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डायरेक्टली पोजिशन टू अनऑक्यूपाइड साइट्स। और रेट ऑफ डिसऑप्शन क्या होगा, ऐसे रेट ऑफ डिसऑप्शन डायरेक्टली पोजिशन टू नंबर ऑफ, ये सॉरी अनऑक्यूपाइड साइट था, अनऑक्यूपाइड, क्लियर, अनऑक्यूपाइड साइट्स। और यहां पे रेट ऑफ डिसऑप्शन क्या होगा, रेट ऑफ डायरेक्टली पोजिशन टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। तो ये ध्यान रखना है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होता है डायरेक्टली पोजिशन होता है नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स के, रेट ऑफ डिसऑप्शन जो होता है डायरेक्टली पोजिशन होता है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स के। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑप्शन। ये ध्यान रखना है, एट इक्विलिब्रियम जितनी स्पीड से एडसॉर्प्शन होगा उतनी स्पीड से डिसऑप्शन होगा, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होते हैं। लास्ट जी पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे कि जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन वो डायरेक्टली पोजिशन होगा प्रेशर अप्लाइड अबव द गैस, जो गैस ऑक्यूपाई हो रही है उस पर जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली पोजिशन टू प्रेशर। तो ये इसके सेवन पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना है। यूनिवर्सल एयर बनती है इसके अंदर, इसने केमीज ऑप्शन को बेसिस माना था, फ्रीडरिच ने जो फिजिकल एडसॉर्प्शन को बेसिस माना था। तो ये ध्यान रखना है पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन करेंगे छोटा सा, थोड़ा फास्ट, थोड़ा ध्यान देंगे, ये कोर्स में नहीं है, बस पॉइंट्स नोट करना, एक आध बार एंट्रेंस में पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सपोज यहाँ पे लैंगमर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का डेरिवेशन है। सपोज टोटल साइट्स मानते हैं हम वन, टोटल साइट्स मानते हैं वन, ये ले लिया, टोटल साइट्स वन है, थीटा इसमें है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट, ये मान लिया मैंने थीटा, थीटा इज अ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, क्लियर, एंड वन माइनस थीटा इज फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स। तो ये ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ साइट्स मानी हमने वन, थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, और वन माइनस थीटा इज फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स। थीटा को कुछ मैं ऐसे बता सकता हूं तुम्हें अगर समझ आता है तो, थीटा विल बी इक्वल टू, जैसे ये एडसॉर्बेंट है, इसके ऊपर ये ऑक्यूपाइड साइट्स है और ये हमारा टोटल साइट्स ऑक्यूपाइड आएगा, समझ में नहीं, तो ये आएगा थीटा इज नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल साइट्स, ये थी उसमें से ऑक्यूपाइड साइट्स कितनी है, थीटा इज फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नाउ रेट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन वो डायरेक्टली पोजिशन होगा किसके, ये वन माइनस थीटा है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डायरेक्टली पोजिशन टू वन माइनस थीटा इनटू प्रेशर अप्लाई,
रेट ऑफ एडॉप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा जो खाली जगह है, ये थीटा जो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइड्स है, ये अनऑक्यूपाइड साइड्स है, इंटू पी, पी प्रेशर अप्लाइड है। एंड रेट ऑफ डीस ऑप्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू थीटा, रेट ऑफ डीस ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू थीटा, दिस इज इक्वल टू से के ए इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी, के ए इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी। एंड आर डी, दिस विल बी इक्वल टू के डी इंटू के डी इंटू थीटा। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, आर ए इज इक्वल टू आर डी, दिस इंप्लाइज 1 माइनस थीटा इंटू पी इंटू के ए इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा, के डी इंटू थीटा। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, थीटा हमारा यहां से आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू, एक बार चेक करेंगे सॉल्व करके इसको, के ए इंटू पी डिवाइडेड बाय के ए पी प्लस के डी। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय के डी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय के डी, के ए इंटू पी अपॉन में के डी, पी अपॉन में पी इंटू के ए बाई के डी प्लस वन। के ए बाई के डी को एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, से ए के ए बाई के डी को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं ए, तो ये आ जाएगा यहाँ से ए पी अपॉन में वन प्लस ए पी, ए पी अपॉन वन प्लस ए पी। तो थीटा आ गया यहाँ से ए पी अपॉन में वन प्लस ए पी, थीटा विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन में ए पी आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे, हमने सिंपल समाना रेट ऑफ एडॉप्शन स्टार्टिंग लिखवाया था, रेट ऑफ एडॉप्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू पी, के इज इक्वल टू के ए इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी, रेट ऑफ डीस ऑप्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थीटा इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा हो जाएगा, दोनों इक्वल, आर ए और आर डी को इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, थीटा आ गया यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे के डी से, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो थीटा यहाँ से ये टर्म आ जाएगा। नाउ एडॉप्शन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, थीटा के, नाउ एडॉप्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थीटा, एक्स बाय एम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थीटा के है, तो ये आ जाएगा एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू ए पी अपॉन में वन प्लस ए पी, के इंटू ए नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा, बी बी पी अपॉन में वन प्लस ए पी। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया एक्स बाय एम इज इक्वल टू बी पी अपॉन में वन प्लस ए पी। तो ये है लैंगमर्स एडॉप्शन आइसोथर्म का जनरल एक्सप्रेशन, x by m is equal to bp upon में 1 plus ap, this is the general expression for Langmuir's adsorption isotherm, clear, इसको ढंग से याद करना है। और इसके ऊपर ग्राफ आते हैं और इसके थ्रू हम जो फ्रेंडलेट एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है उसको ड्राइव भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं वो जल्दी से। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को x by m जो है x by m ये था बी पी अपॉन में वन प्लस ए पी, इसको उल्टा कर दें अगर एम बाय एक्स इज इक्वल टू वन बाय बी प्लस ए बाय बी वन बाय बी पी, वन बाय बी पी ये आ जाएगा और प्लस ए बाय बी, तो उसकी ये वाई जोड़ एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, एम बाय एक्स वर्सेस वन बाय पी का कर्व, एम बाई एक्स वर्सेज वन बाई पी का कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा विच हैज वाई इंटरसेप्ट ए बाई बी, वाई इंटरसेप्ट इज ए बाई बी एंड स्लोप और ग्रेडियंट इज वन बाई बी, स्लोप और ग्रेडियंट इज वन बाई बी। तो ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है, सिमिलरली वी कैन फॉर्म कर्व फॉर पी अपॉन में एक्स बाय एम, इसका कर्व को ट्राई करेंगे
और स्लोप और इसका वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, पी अपॉन में एक्स बाय एम, ये आ जाएगा वन प्लस ए पी डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय वी। तो पी अपॉन में एक्स बाय एम वर्सेस पी का कर्व, ये को ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें वाई इंटरसेप्ट होगा वन बाय बी और स्लोप होगा ए बाय बी, और क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है इसका। और नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे बस कि जो लैंग्वेज एडॉप्शन आइसोथर्म है इससे हम फ्रीउंडिज एडॉप्शन आइसोथर्म को ड्राइव भी कर सकते हैं, लैंग्वेज से हम फ्रीउंडिज को ड्राइव कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अगर मैं प्रेशर, इफ प्रेशर इज वेरी लो, इफ प्रेशर इज वेरी लो सच डैट पी इज लेस देन वन, दैट मीन्स x by m will be equal to bp implies x by m is proportional to p, this is at low pressure, ये low pressure पे है, और यही same चीज आती है हमारी किसमें, Friedlander adsorption isotherm के अंदर। तो ये हमें मानना है यहाँ पे, ये true, एक proof मिल गया यहाँ पे। दूसरा proof, if pressure, second case, if pressure is very high सच डेट पी इज वेरी 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 ग्रेटर देन वन, तो उस केस में एक्स बाय एम आ जाएगा हमारा बी पी अपॉन में ए पी, वन इज नेग्लेक्टेड तो ये आ गया बी बाय ए, बी बाय ए, तो दिस शोज डेट एक्स बाय इम्प्लाइज एक्स बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू जीरो विच इज एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। तो दो के लिए ट्रू आ गया, सेम चीज होती है हमारी फ्रीउंडिज के अंदर, सेम चीज होती है फ्रीउंडिज, हाई प्रेशर पे एक्स बाय इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के, और लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रेशर होता है पी के। दो के लिए ट्रू है तो इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए मान लेंगे ट्रू है, तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि लैंगमर से हमने फ्रीउंडिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को ड्राइव कर लिया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे आगे क्या कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स कोलाइड्स में डिफरेंस और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ओके, थैंक्स।